हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर। तो बच्चों, भक्ति की भावना ने, भक्ति की एक लहर जो थी वो पूरे देश में फैल चुकी थी, और मेडिवियल पीरियड का जो कल्चर था उसने पूरी पकड़ बना ली थी। उसमें भाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर, फायर आर्ट्स, ये सब बहुत मेजर बदलाव हुए मेडिवियल पीरियड में भक्ति के कारण। तो बड़े छोटे राज्य के जो शासक थे उन्होंने इन एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज को अपनाया, और लोकल जो रीति रिवाज थे वो अक्सर नए नए भारत के जो दूसरे हिस्से थे कुछ वहां से इन्फ्लुएंस होते थे, एंड इवन फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन कुछ जो थे आपस में जो पुराने से चलते आ रहे थे वो उनमें इंटरमिंगल्ड हो जाते थे, एंड देन दे गिव देम इन न्यू टर्न। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो जो आधुनिक इंडो आर्यन थे वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज थी, उन्होंने शुरू किया था 9th और 10th सेंचुरी में। दूसरी लैंग्वेज थी वो पर्सियन थी, बहुत दूसरी अदर लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेज थी जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, ये भी इस युग में पनपी थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी और मलयालम ऑल्सो मैच्योर्ड इन साउथ इंडिया। तो ये बहुत ही पॉसिबल हो गया था क्योंकि लोकल रूलर्स जो थे वो उसको अनुयायी करते थे, उसका अनुयायी पालन करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो लैंग्वेज थी ये बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी, और बहुत सारे फेमस लिटरेरी वर्क जो थे इन लैंग्वेजेस में बनाए जा चुके थे। अब अर्ली मेडिवियल पीरियड जो कि 8वीं से 13वीं शताब्दी का था, नॉर्थ इंडिया में जैसे कि भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, ये जो थे ईस्ट पार्ट में और इंडिया के वेस्ट पार्ट में इमर्ज हो गई थी, और वो जो थी कॉमन लोगों द्वारा बोली जाने लगी थी। भक्ति संत जैसे तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो उन्होंने भाषाएं बोली लोकल लोगों के द्वारा, एंड दिस हेल्प टू पॉपुलराइज दिस लैंग्वेज फर्दर। साउथ इंडिया में संस्कृत और तमिल ये अपने विचारों को व्यक्त करने का एक मेन मीडिया था। दूसरी रीजनल लैंग्वेज जो थी तेलुगु और कन्नड़ा, ये भी चोला रूल के अंदर फ्लोरिश हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिकॉर्ड थे वो इन लैंग्वेजेस में मेंटेन किए गए थे। बहुत सारे प्रसिद्ध लिटरेरी और रिलीजियस वर्क थे जो कि इन लैंग्वेजेस में पाए गए। राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के थे वो एक महान विद्यार्थी थे, जिन्होंने की अमुक अमुक तमिलियाडा लिखी थी तेलुगु में। चोलास के अंडर में लिटरेरी एक्टिविटी प्रोस्पर, बहुत प्रोस्पेरिटी उसको मिली थी। इसके बाद सल्तनत पीरियड था जो कि 1206 से 1526 के बीच का था। फ्रॉम द सल्तनत पीरियड ऑनवर्ड पेंटिंग जो थी वो रॉयल पैटर्नोज के ऊपर थी पूरी की पूरी। भक्ति मूवमेंट जो था वो हिंदी में उसमें बहुत मदद हुई, और कुछ दूसरी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज भी इसमें ग्रो हुई। ज्यादातर मुगल शासक जो थे वो हिंदी शासक थे, ब्रज और अवधी भाषा में वो रूल करते थे। तो दो डायलेक्ट्स थे हिंदी के। दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज थी जैसे कि उड़िया, असमी, सिंधी, ये भी डेवलप हुई, और पुराण जैसे रामायण, महा इंडिया, ये भी कुछ दूसरे इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए। सिख गुरु के जो राइटिंग्स थी वो एक पंजाबी लैंग्वेज में थी। समय के साथ साथ पर्शियन और हिंदी जो थी वो उनका मिक्स हो गया, गिव बर्थ ए न्यू लैंग्वेज, उससे एक नई भाषा बनी उर्दू। तो उर्दू जो था वो कैंप वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है पर्शियन से जो लिया गया है। पर्शियन स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट उर्दू। इसके बाद मुगल पीरियड था जो कि 1526 से 1707 का था। पेंटिंग रीच्ड परफेक्शन अंडर द मुगल्स। पेंटिंग स्टाइल जो थे वो इंडिया के और पर्शियन ट्रेडिशन के को मिक्स करके डेवलप हुए थे। मुगल कोर्ट थे जिसमें कि बहुत सारे रिनाउंड स्कॉलर्स थे, अब्दुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, बीरबल, ये उनके अकबर के दरबार के महान लोग थे। अबुल फजल ने एक बायोग्राफी लिखी थी अकबर की जो कि अकबर नामा के नाम से फेमस है। अकबर ऑल्सो सेट अप ए डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ फेमस संस्कृत वर्ड्स लाइक रामायण, महा इंडिया एंड पुराण। अकबर ने ऑल्सो प्रैक्टिस हिंदी जो कि एक ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई जिसकी इस पीरियड में तुलसीदास, सूरदास, वल्लभाचार्य, केशवदास, ये सब इस युग के महान कवि थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, सूरदास ने सुरसागर लिखी थी हिंदी में। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग, तो पेंटिंग जो था वाज एन इम्पोर्टेंट आर्ट ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड। महल, मंदिर, ये सब मुरल्स से डेकोरेट किए जाते थे। राजा और जो दूसरे जो रिच पीपल होते थे वो पेंटर्स
पैटर्नाइज थी। तो महल और टेम्पल जो थे वो और दूसरे मॉन्यूमेंट थे जिसपे की मुरल से डेकोरेशन की जाती थी। इसके बाद सल्तनत पीरियड था, तो आर्ट ऑफ मिनिएचर बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। जो दरबार के पेंटर होते थे उनको वो एम्प्लॉय किए जाते थे राजा के पोर्ट्रेट बनाने के लिए। दूसरे आर्टिस्ट होते थे जो कि बुक्स को डेकोरेट करने के लिए एम्प्लॉय किए जाते थे। उसके बाद मुगल पीरियड था, तो पेंटिंग्स जो थी रीच दैट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। एक नए स्टाइल की पेंटिंग डेवलप हुई इस पीरियड में जो कि इंडियन और पर्शियन ट्रेडिशन का ब्लेंड था। एंड ये ट्रेडिशन मिनिएचर पेंटिंग थी जो कि हाई लेवल पर पहुंच गई थी अकबर जहांगीर और शाहजहां के अंदर में ये हुआ। ये पेंटिंग्स जो थी वो जनरली पेपर पर भी की जाती थी और कपड़े पर भी की जाती थी। पेंटिंग की जो आर्ट थी वो मोस्टली जहांगीर के अंडर में डेवलप हुई जो कि कुछ यूरोपियन फीचर उसमें इंट्रोड्यूस हुए। कुछ फेमस पेंटर्स थे इस टाइम के बेहजाद बेलचंद बिशन दास दौलत। कुछ पेंटर्स थे जो शाहजहां के दरबार में ही रहते थे। मेन फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग, तो मुगल मिनिएचर्स जो थे बहुत ही सुंदर होते थे और ये पेंटर्स जो थे ब्राइट कलर यूज करते थे पीकॉक ब्लू रेड। एंड ये जो थे शाही दरबार के सीन बनाते थे युद्ध के हंटिंग साइट नेचर सीन और एवरीडे लाइफ के सीन को डिपिक्ट करते थे। तो इसके बाद रीजनल किंगडम, तो रीजनल किंगडम जो थी उन्होंने वो पेंटिंग बनाए थे पैटर्नाइज पेंटिंग। थ्री डिस्टिंक्ट स्टाइल थे पेंटिंग के जो इस मेडिवल पीरियड में पनपे। सबसे पहले राजपूत और राजस्थानी स्टाइल। पेंटिंग के इस स्टाइल में ये 14th सेंचुरी के लेट में आया और इसमें मेन सेंटर था जो मेवाड़ जोधपुर बीकानेर कोटा बूंदी और किशनगढ़। तो ज्यादातर जो धार्मिक और मेथोलॉजिक सीन थे वो इसमें भगवान कृष्ण और राधा की स्टोरी बताते थे और हिंदू एपिक्स की एपिसोड्स बताते थे। इसके बाद डिकनी स्टाइल था जो कि ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी डिकनी स्टाइल डेवलप हुआ डिक्कन राज्य में जो थे अहमदनगर बीजापुर और गोलकंडा के डिक्कन किंगडम में। पेंटिंग्स जो थी इस स्टाइल की वो युद्ध का सीन बताती थी या राजाओं के अलग अलग मूड को शो करती थी। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक विद द कमिंग ऑफ द तुर्क म्यूजिक प्रपोज हुआ। फ्यूजन ऑफ पर्शियन और अरबी एंड इंडियन म्यूजिकल फॉर्म जिसकी वजह से एक नए स्टाइल का म्यूजिक का जन्म हुआ। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो था वो राग पर बेस्ड था जो कि अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया इस युग में। इसके बाद डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस जो थे वो इस पीरियड में इन्वॉल्व थे। ज्यादातर जो थे वो मंदिरों से शुरू हुए। इंडियन आर्टियम इस मंदिर का डांस था। इट वॉज पैटर्नाइज बाई चोला रूलर्स। कथकली कुचिपुड़ी ओडिसी मैनपुरी ये अलग अलग देश के हिस्सों में डांस पॉपुलर हुए। अब बंगाल के बारे में केस स्टडी करते हैं, तो बंगाल एक बहुत ही रिच कल्चर हेरिटेज वाला देश रहा है शुरुआत से ही। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड पाला डायनेस्टी का शासन था तो जो कि पूरे बंगाल पर राज करते थे और बिहार में ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एजुकेशन लिटरेचर और आर्किटेक्चर थे। एंड वो जो थे बुद्धिज्म को मानने वाले थे और उन्होंने स्तूप और मोनेस्ट्रीज बनवाए। तो द 14th सेंचुरी में 16th सेंचुरी तक इलियास शाही डायनेस्टी और हुसैन शाही डायनेस्टी ने पूरे बंगाल पर राज किया। ये दोनों डायनेस्टीज जो थी वो आर्ट और कल्चर एक्टिविटीज को मानते थे। उसके बाद लैंग्वेज जो है बंगाली भाषा यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है और ये संस्कृत से डिराइव हुई है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स से लिए गए हैं। बहुत सारे पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेज भी इसका हिस्सा बनी बंगाली का। इसके बाद लिटरेचर, इस युग का जो लिटरेचर है वो मेनली संस्कृत का से लिया गया है जो कि बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट है। सुल्तान अलुद्दीन हुसैन और नुसरत शाह जो थे आर्ट और कल्चर के धनी थे। तो रामायण और महा इंडिया बंगाली में लिखी गई थी। भगवत गीता पुराण बंगाली में और भाई मालाधार बासु ने लिखा था जो कि एक बंगाली पोएट थे। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, कुछ दूसरे फेमस मेडिवल मॉन्यूमेंट है इस एरिया में जो कि कोतवाली दरवाजा है और 5 मस्जिद है तांतीपारा दारसाबारी चमकाती छोटा छोटा सोना और बारा सोना बड़ा सोना। ज्यादातर ईंटें जो थी वो इसमें बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी इन बिल्डिंग्स को और टेराकोटा से सजाई गई थी। इसके बाद टेम्पल्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। उनमें से ज्यादातर जो थे वो मॉडर्न ब्रिक्स से बने हुए थे और टेराकोटा स्ट्रक्चर से बने हुए थे। पेंटिंग्स जो थी सोयो पेंटिंग्स थी जो कि हुसैन शाही पीरियड में मिली थी बड़े
किले और दीवारों पर पेंटिंग्स थी जो इस समय को बताती हैं। पाला शासक जो थे वो बुद्धिस्ट थे, इसलिए वो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे, महायान बुद्धिस्ट के सीन बनाते थे। म्यूजिक म्यूजिक पर्टिकुलरली फोक म्यूजिक जो था वो बंगाल में था, ज्यादातर पॉपुलर जो था वो बोल सिंगिंग था। इट इज रिगार्डेड एज द फोर रनर ऑफ द म्यूजिकल फॉर्म, जिसको कि ध्रुपाड़ा के नाम से बोला जाता था। बंगाल का अचीवमेंट जो था वो वैष्णवी सॉन्ग्स था, जो कि वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन म्यूजिक। बाउल एक तरह का फोक म्यूजिक है जो कि रिलीजियस ग्रुप द्वारा गाया जाता है, और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। चैतन्य ने पॉपुलराइज किया था डिवोशनल सॉन्ग, जिनको कि कीर्तन के नाम से बोला जाता था। थैंक यू।